नमस्कार, आई एम डॉक्टर शशि गुप्ता फ्रॉम गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो बीएससी पार्ट वन का सेकेंड पेपर का फोर्थ यूनिट का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा, गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें गैमीट या युग्मक का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ये दो पार्ट का बना होता है। अगर वो मेल गैमीट है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर एग का निर्माण हो रहा है या ओवा का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। तो आज हम देख रहे हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें एग का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। यह प्रोसेस ओवरी अंडाशय अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी इंटरनली अंदर की तरफ घिरी होती है, लाइन होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, अर्थात यह उपकला में विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वह कहलाते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स या उन्हें सिंपल जर्म सेल्स भी हम कह सकते हैं। अगर हम ओजेनेसिस को देखें तो ओजेनेसिस जो है तीन फेज या तीन अवस्थाओं की बनी होती है। सबसे पहली फेज जो है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज वह फेज होती है जिसमें सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन अर्थात उनमें गुणन की क्रिया पाई जाती है जिसके फलस्वरूप बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है। दूसरी फेज जो होती है वह कहलाती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ग्रोथ फेज वह फेज होती है जिसमें सेल्स की ग्रोथ अर्थात उसके साइज में वृद्धि। तीसरी फेज जो होती है वह होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज वह फेज होती है जिसमें सेल मैच्योर अर्थात परिपक्व होता है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले हमने देखा यह है प्रिमोर्डियल जर्म सेल। इसके पहले हम एक चीज रिवाइज करना चाहेंगे कि एडल्ट मैमल में एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर है एडल्ट में 2n यानी डिप्लॉइड अर्थात n मदर से मिला एग के फॉर्म में और n फादर से मिला स्पर्म के फॉर्म। इसका मतलब जब भी एग या स्पर्म का निर्माण होता है क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। तो यहाँ हम ओजेनेसिस में देखेंगे कि एग या ओवा का जब निर्माण होता है तो कहाँ पे रिडक्शनल डिविजन की क्रिया होती है और कैसे होती है। सबसे पहले यह है ओवरी के जर्म सेल्स या प्रिमोर्डियल जर्म सेल। यह है 2n अर्थात डिप्लॉयड। यह जर्म सेल प्रवेश करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में और बड़े तेजी से लगातार डिवाइड होते हैं और बनाते हैं बहुत सारे सेल्स। यह सभी सेल्स क्योंकि यह डिवीजन माइटोसिस है, समसूत्री है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ 2n होगा। इसके फलस्वरूप बनने वाले सेल्स कौन कहते हैं ओगोनिया। यह ओगोनिया अब प्रवेश करता है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज अर्थात इस सेल के साइज में वृद्धि होगी। साइज में वृद्धि होने के लिए सबसे पहला इसमें साइटोप्लाज्म का निर्माण होगा, न्यूक्लियर पदार्थ का निर्माण होगा, साथ ही यहाँ एक विशेष सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं योक। योक या रिजर्व फूड मटेरियल का सिंथेसिस या निर्माण होता है ग्रोथ फेज में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाइटिलोजेनेसिस। तो वाइटिलोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वह होती है ग्रोथ फेज में जिसके फलस्वरूप लार्ज सेल्स का निर्माण होता है और यह लार्ज सेल को हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। अब यह प्राइमरी ओसाइट जब उसमें ग्रोथ की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो यह प्रवेश करता है थर्ड फेज में। थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। यह मैच्योरेशन फेज स्पर्मेटोजेनेसिस से भिन्न है। कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट प्रवेश करता है मैच्योरेशन डिवीजन में। यहाँ भी मैच्योरेशन डिवीजन की प्रोसेस दो स्टेप में होगी, पहला फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन।
फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है वह मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और हमें हमेशा याद रखना है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन सिंपल माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन। हम देखते हैं यह प्राइमरी ओसाइट प्रवेश करता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है वह मियोसिस के द्वारा होगा और यहां हमें याद रखना है यह मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन अर्थात क्रोमोसोम का नंबर घट के आधा हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनते हैं। यहां बहुत अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है वह अनइक्वल होता है। अनइक्वल मींस इसमें जो दो सेल्स बनेंगे उनका साइज अनइक्वल होगा। एक छोटा सेल जिसमें एन क्रोमोसोम है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है और बिल्कुल रिजर्व फूड मटेरियल नहीं, इस छोटे सेल को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि यह फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन से बन रहा है। दूसरा सेल जो लार्ज होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर एन होता है, बहुत सा साइटोप्लाज्म पाया जाता है और पूरा का पूरा रिजर्व फूड और योग इसमें उपस्थित होता है, इस बड़े सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। अब फर्स्ट पोलर बॉडी तथा सेकेंडरी ओसाइट दोनों ही प्रवेश करेंगे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। यहां हमें याद रखना है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वह सिंपल माइटोसिस के द्वारा होता है अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वह डिवाइड होके बनाएगी दो स्मॉल साइज की पोलर बॉडी, और जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें भी माइटोसिस होगा लेकिन यहाँ डिवीजन अनइक्वल होगा। अनइक्वल किस किस का? साइटोप्लाज्म और रिजर्व फूड मटेरियल का, जबकि क्रोमोसोम का तो इक्वल डिवीजन होगा। एक छोटी सेल इसमें एन क्रोमोसोम, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बिल्कुल रिजर्व फूड मटेरियल नहीं। दूसरा लार्ज सेल जिसमें एन क्रोमोसोम, बहुत सारा साइटोप्लाज्म और पूरा का पूरा रिजर्व फूड या योक। योक यानी जो एग का येलो वाला हिस्सा होता है, हम हेन के एग में देखते हैं। अगर हम देखें तो यह बड़ा एग सेल जो बना यही सेल होता है एग या ओव। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें ओगोनियम के फलस्वरूप तीन पोलर बॉडी 1, 2 और 3 एंड एक एग का फॉर्मेशन होता है। यह एग फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, यह नॉन मोटाइल होता है, इसका साइज बड़ा होता है अर्थात इसमें प्रचलन नहीं होता, जबकि ये जो तीन छोटे पोलर बॉडी हैं, इनमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, रिजर्व फूड मटेरियल बिल्कुल नहीं है, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता और बाद में यह तीनों छोटे सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। यह तीनों छोटे सेल्स जो बने, क्योंकि ये सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन से बन रहे हैं इसलिए इनको सेकेंड पोलर बॉडी भी कहते हैं या पोलोसाइट भी कहा जाता है, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। इस प्रकार से हमने देखा ओजेनेसिस में तीन पोलर बॉडी और सिर्फ एक एग का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।